वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट. ज्यादा नहीं है एंड इस बार ज्वेलरी तो बिल्कुल भी नहीं है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक अच्छे से देखना. सो स्टार्ट करते हैं हमारे कोट से, बिकॉज मैं ना उसी चीज के लिए गई थी. मैं जो मेरे पुराने वाले कोट से ना, मैं उन्हें ज्यादा नहीं पहन रही थी एंड आई वॉन्टेड समथिंग न्यू. तो उसके लिए मैं गई थी एक शॉप पर एंड मुझे पर्टिकुलरली एक ही शॉप पर सब कुछ मिल गया था. सब कुछ शॉप्स वगैरह ना मैं स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. सो द फर्स्ट कोट इज दिस वन. ये मेरे को ना बिल्कुल ही ब्लैक कलर में मिला है. मोस्टली ना मैंने देखा सरोजनगर में ना काफी ज्यादा फेडेड कोट्स मिलते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ब्लैक कलर. बट ये मुझे मिला था एकदम जेट ब्लैक कलर का एंड कहीं से भी लाइक लिटरली इसमें एक भी जगह कोई भी कमी नहीं थी, कोई भी फॉल्ट नहीं था. लुक एट द स्लीव, इट्स अ मिड लेंथ कोट. तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. इसके स्लीव में भी ना इस टाइप से ना बकल सॉर्ट ऑफ अ डिटेलिंग दी गई है विद अ बटन एंड आप देखो पूरा इसमें ना बटन्स वगैरह सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉपर है. पहनने में मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा. मैंने वहीं शॉप पर ही ट्राई कर लिया था यहाँ पे. एंड ये वाली शॉप ना मैंने मेरे एक्सप्लोरिंग पार्ट में भी दिखाई है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई विल लिंक इट समवेयर हियर. तो आप वहां से जाके डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो. मुझे बहुत अच्छा लगा फिटिंग वाइज, लेंथ वाइज, सब कुछ मुझे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट आया. एंड ये जो मेरा जो मतलब बॉडी टाइप है ना, ये मेरे घर में ना मेरी मम्मी, मेरी बहन, सब हर कोई पहन लेता है तो हम शेयर कर सकते हैं. एंड अगर मैं इसके प्राइस पॉइंट की बात करूँ ना, भैया ने मुझे बोला था 800 रुपीज, बट ऑफकोर्स मैंने बार्गेनिंग किया है एंड मैंने वहां से क्योंकि दो और कोट्स भी लिए थे, मतलब टोटल 3 कोट्स लिए थे, तो मुझे वहां से पड़े थे ये 300 रुपीज के. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. यही सेम चीज अगर मैं जारा जाती या H&M जाती तो मुझे 5000-6000 से भी अबव कॉस्ट करते. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड कोट. तो आप ना एक काम कर सकते हो, क्योंकि सरोजनगर इतना बड़ा है ना, आप पिंटरेस्ट पे चीजें ना डाउनलोड करके लेके जा सकते हो अपने लिए आउटफिट आइडियाज एंड वहां पे सीरियसली मिल जाते हैं. मैंने तो ऐसे ही किया था. मैं एक पिक्चर इंसर्ट करूंगी यहाँ पे जिसमें ना मैंने ये ग्रे कलर का कोट देखा था एंड कैरमिल कलर का एक कोट देखा था. उसके अकॉर्डिंग मुझे वो तो नहीं मिला, मतलब मिले तो बहुत सारे थे बट मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था. देन आई एंडेड अप बाइंग दिस वन. ये ग्रे कलर का कोट है एंड आप देखो बिल्कुल ही फ्रेश मटेरियल लग रहा है. लाइक वो लोग तो पूरी लॉट में भर के लाते हैं, तो कहीं से भी ना मतलब मुझे उसको आयरन कराने की, ड्राई क्लीन कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीचे पाइल में से मुझे निकाल के दिया था. एंड आई वॉन्टेड थोड़ा सा नीज तक हो, तो ये परफेक्टली मुझे नीज तक फिट हो रहा है. एंड इसके बटन्स की फैब्रिक क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा है. एंड एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो इट्स अ ब्रांड है ये फ्रॉम बी करके, मेड इन कोरिया. अभी मुझे इस ब्रांड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है बट भैया कह रहे थे कि मेरे पास तो सारी लॉटी बाहर की आती है, तो मुझे तो मजा आ गया था ये चीज सुन के. आप ना ट्राई ऑन पार्ट में थोड़ा अच्छे से देख पाओगे बट लुक एट द कलर, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. एंड ये देखो इसके पीछे ना कोई कट्स वगैरह नहीं है, तो मुझे इतना सुंदर लुक देता है ये कोट. सो द थर्ड कोट जो मैंने वहां से उसी शॉप से लिया था वो है ये वाला. इट्स इन अ रियली नाइस डीप चारकोल कलर में है, चारकोल ग्रे सॉर्ट ऑफ अ कलर में है. एंड अगर मैं आपको ना थोड़ा सा क्लोजली दिखाऊं, इसमें देखो ऐसे चेक स्ट्राइप सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न बना हुआ है एंड ये मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा था. सबसे अच्छी चीज इस कोट की है कि ना ये थोड़ा सा ना शॉर्ट लेंथ है, मतलब नॉट टू मीडियम नॉट टू शॉर्ट, थोड़ा मिडवे है ये कोट. मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ना समटाइम्स क्या होता है अगर आप जीन्स पहन रहे हो या आप कुछ मतलब ऐसा कुछ पहन रहे हो प्लाजो टाइप का, तो इस टाइप के ब्लेजर ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि ये थोड़े लेंथ में ना ठीक ठाक लगते हैं मुझे. एंड आप देखो इसके बटन्स वगैरह, इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक की क्वालिटी सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी है. एक चीज है सरोजनगर, आप कभी भी जाओ ना आप हर एक एक चीज को ना चेक करके लेकर आओ, स्पेशली क्योंकि वो लोग तो लॉट में लेकर आते हैं ना पूरा की पूरा माल जो होता है उनका. तो मैंने वहां से लिया था. इसके ना बैक में कुछ इस टाइप का डिजाइन आएगा, यहाँ पे भी इन्होंने बटन दिया हुआ है एंड ये बेल्ट के साथ आता है. मुझे बेल्ट नहीं मिली है वहां से एंड ये ना थोड़ा सा ऐसे कट है यहाँ पे, तो आपको ना ट्राई ऑन पार्ट में पूरा अच्छे से दिखेगा. तो या ऐसा एक चीज और यार, वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, स्किप मत करा करो. नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे. सो जब मैं सरोजनगर जा रही थी ना, मैंने एक चीज और माइंड में रखी थी, क्योंकि मैं ना कुछ वीडियोस देख के ही जाती हूँ सरोजनगर जब भी जाती हूँ. तो मैंने वहां देखा था कि टेडी जैकेट्स ना बहुत सारी आई हुई है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है.
तो मुझे मेरे लिए एक टेडी जैकेट चाहिए रही थी। तो जब मैंने इसको देखा ना, मैंने बहुत दूर से देखा था, मैंने पॉइंट आउट किया था कि मुझे ये वाली जैकेट चाहिए, तो मैंने लिया है अपने लिए ये टेडी जैकेट। इट्स अ वेरी वेरी नाइस एंड कोजी सॉर्ट ऑफ अ जैकेट। ये ना मुझे मतलब चाहिए थी, मतलब मेरे को ऐसे ब्राउन कलर में चाहिए थी, बट ब्लैक मिल गई एंड आई थिंक इट्स अ मोर वर्सेटाइल कलर। तो ब्लैक के साथ तो आप कभी गलत जा ही नहीं सकते हो। अब ना एक चीज़ और, इसमें ना क्रॉप में भी आती है एंड इस टाइप के ना फुल साइज में भी आती है, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे डबल एक्सएल साइज में मिल जाएगी। तो मुझे थोड़ी सी ना चाहिए थी कि लूज हो एंड वॉर्म हो, तो एग्जैक्टली मुझे वैसी मिली है। इसकी सिल्वर कलर की चेन है, मुझे गोल्ड हार्डवेयर ज़्यादा अच्छा लगता है, बट नहीं मिला, ठीक है। मैं जब से ये आई है ना, लाइक सरोजनी, अगर आपने मेरी एक्सप्लोरिंग पार्ट देखा होगा, मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे गए हुए एंड हॉल में अब जाके शूट कर रही हूँ, तो ये मुझे काफ़ी टाइम हो गया एंड मैं इसको डेली बेसिस पे पहन रही हूँ। इतनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वॉर्म इतनी है ना, तो आप इसको पहनोगे ना आपको गर्मी लगने लग जाएगी। एंड ये मुझे कॉस्ट करी थी अगेन 400 रुपीज़ की, क्योंकि यार वहाँ पे ना कोई मतलब इससे नीचे बार्गेनिंग नहीं कर रहा था, उन्होंने 800 बोला था। मैंने स्टिल उसका हाफ लगवाया था एंड उसके बावजूद भी भैया ने मुझे कम नहीं करके दिए थे, तो मैंने 400 बहुत मुश्किल से दिए थे। एंड मुझे ये मतलब बेसिकली ये था कि मुझे छोड़नी नहीं थी ये जैकेट, तो ठीक है 400 भी दे दिए। अगर यही अगर मैं कहीं और से लूँगी तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे 400 में मिल सकती है ये। कोट्स वगैरह के प्राइसेस मैंने 300 वहाँ पे पे किए थे, सॉरी अगर मैं आपको बताना भूल गई हूँ, बट डोंट वरी, सारे प्राइसेस स्क्रीन पर चल रहे हैं एंड ट्राई ऑन पार्ट के नीचे भी आप देखोगे ना तो वहाँ पे भी आपको सारे प्राइसेस मिल जाएंगे। सो द नेक्स्ट आइटम दैट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर इज दिस कॉर्ड सेट। इट्स अ नाइट सूट बेसिकली, तो ये भी अगेन मैंने बहुत दूर से देखा था, मैंने इसे पॉइंट आउट किया था। शॉप नंबर वगैरह मैं सब कुछ डाल दूंगी एंड आई थिंक मैंने शॉप नंबर्स ना अपने एक्सप्लोरिंग पार्ट में भी डाली है, बट इट्स ओके, मैं दोबारा से डाल दूंगी। तो ये मैंने वहाँ देखा था, इस टाइप से है ये। तो यहाँ पे ना आप देखोगे ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हैं। इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट मटेरियल एंड ये वी नेक में है, तो मुझे बहुत मतलब जब एज सून एज आई सॉ दिस ना वहाँ पे, तो मेरे को ये था मुझे ये चाहिए अगेन। एंड ये मैंने कहीं सी थड़ी वगैरह से किसी मतलब वहाँ से नहीं लिया, पर्टिकुलर शॉप से लिया है मैंने इसको, तो ये बहुत ही प्यारी क्वालिटी में आया है। एंड अगेन ये जब से आया है ना मैं तब से इसको पहन रही हूँ एंड ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि ये सेम टू सेम मैंने दो लिए हैं, मतलब एक ये लिया है एक और है ये रहा, तो मैंने सेम टू सेम लिए हैं अपने लिए। अब मैं आ जाती हूँ इसके लोअर की बात करते हैं। इट्स अ हाई वेस्ट लोअर, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एज यू कैन सी थोड़ा ना ऐसे वो फरी वाला जो टेक्सचर होता है ना इसका, इस टाइप की क्वालिटी है। इसके नीचे आपको वही अगेन कार्टून कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो ट्राई ऑन पार्ट में देखना इसको मैंने किस तरीके से, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है ये पहनने के बाद एंड ये नाइट सूट का भी वर्क करता है। पहन के सो गई हूँ मैं इसको एक बार, अभी तक मुझे तो इसमें वो बबल्स वगैरह जो रुएं आ जाते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं इसके अंदर। इट्स अ वेरी नाइस गुड क्वालिटी नाइट सूट एंड इसके साथ ना वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाइटीज भी मिल जाएंगी, वूलन नाइटीज अगर आपके मॉम्स वगैरह पहनते हैं, एंड इसी टाइप के ना और भी डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाएंगे। ये मैंने लिया है थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर के अंदर, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट की, तो भैया बोल रहे थे 850, अभी इस बार सरोजनगर में हर कोई 800-850 बोल रहा था एंड क्योंकि शॉप से है तो मैं ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाई हूँ, बट स्टिल ये मैंने लिया था 600 रुपीज़ का, तो 600 इन टोटल मैंने वहाँ पे 1200 रुपीज़ पे किए थे एंड आई थिंक कि बिल्कुल सही पे किए हैं, क्योंकि मैंने अमेजोन मीशो पे भी काफ़ी सारे नाइट सूट्स देखे, इवन मैं पहनती भी हूँ घर में, तो उनकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो आई थिंक 600 तो मुझे वर्थ लग रहा है बिल्कुल ही। तो यस, बढ़ते हैं, हमारे दो तीन आइटम्स और रह गए हैं उनकी तरफ। सो द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस स्वेटर। आपने मेरे एक्सप्लोरिंग पार्ट में देखा होगा, वहाँ पे ना एक शॉप है जस्ट लेडी के नाम से एंड उसके बिल्कुल ही साइड में ना भैया लगाते हैं काफी सारे स्टॉल्स, मतलब काफी सारे वेंडर्स हैं, वो लोग रिंग में स्टॉल लगाते हैं बेसिकली। तो मैंने ये स्वेटर वहां से लिया था 150 रुपीज़ का एंड इतना फ्रेश स्वेटर मिला है। ऐसा बहुत बार मेरे साथ होता है कि मैं सारे रिंग्स वगैरह चेक करती हूँ, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया यूनिक एंड ब्रांडेड पीस मिलता है वहां से, जस्ट लाइक दिस वन, ये है फॉरएवर न्यू का। तो फॉरएवर न्यू ऑल नो कि बहुत ही अच्छा लग्जरी, मतलब लग्जरी तो नहीं कहूँगी, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है। तो ये आई थिंक ये वही है, इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, येट द कलर इज सो वाइब्रेंट, मतलब बहुत ही परफेक्ट
कलर है ऑटम विंटर सीजन के लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। साथ ही साथ इसका ना जो कोजीनेस है ना, ये पहनने के बाद इतनी ज्यादा वॉर्म आती है, मतलब मजा आ गया स्वेटर के। 150 रुपीज का लगता नहीं है बिल्कुल भी। एंड इन भैया के पास ना स्पेशली इतना ज्यादा फ्रेश कलेक्शन था, बट मैंने सिर्फ ये स्वेटर लिया था बिकॉज मुझे तो चाहिए थे कोट्स वगैरह, तो यस ये मैंने लिया है 150 रुपीज का। अब बढ़ते हैं लास्ट टू आइटम्स के ऊपर। ये भी मैंने एक शॉप से ही लिए थे, तो ये मैंने लिए, ये मैंने अपने नहीं लिए बेसिकली, ये मैंने अपने भाई के लिए लिए हैं। हाँ जी, सो यस मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सो लास्टली मैंने ना ये वाली ना शर्ट्स ली थी, आई थिंक इन्हें शर्ट्स ही बोलेंगे, ये टेडी शर्ट्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा वॉर्म है, ये मैंने ली थी। ये भी ना मतलब क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, लाइक ये ट्रिपल एक्सएल में है साइज में, तो ना साइज के अकॉर्डिंग भैया ने जो प्राइस दिया था ना वो बहुत ही ज्यादा जस्टिफाइड लग रहा था मुझे। वो उन्होंने मुझे बोला था पहले 900 समथिंग का, बट ये मैंने लिए थे 400 रुपीज के। ये आई थिंक की ओरिजिनल ली कूपर है बिकॉज इसके ना पूरी ब्रांडिंग दी हुई है अच्छे से। अगर आप ऐसे अंदर भी देखोगे ना पूरा ऐसे ली कूपर का वो दिया हुआ है। इसकी चेन भी गोल्ड हार्डवेयर के साथ है, मतलब थोड़ा कॉपरिश में, उसके ऊपर भी ली कूपर है, तो ये बहुत ज्यादा वॉर्म है। यानी एक बार वॉश भी हो चुकी है एंड आप देख सकते हो कहीं से भी कलर फेड नहीं हुआ है। मतलब अंदर देखो इस टाइप का ना, ये वो जो जर्जी मटेरियल, जो थोड़ा सा वो जो आपकी रजाइयों में जो वो वूलन सा मटेरियल होता है ना, वो है ये, तो पूरे टाइम आपको वॉर्म रखेगा। इसके नीचे आप सिर्फ एक पतला सा थर्मल पहनो एंड ये पहन लो, उसके बाद आपको ठंड तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। एंड फ्रॉम द सेम शॉप मैंने लिया था ये वाला कलर, वो थोड़ा ब्लू चेक्स में था। ये है थोड़ा बर्गंडी ग्रे, ऐसे थोड़ा मिक्स है इसके अंदर, तो आप ये देखो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। दोनों ही स्वेटर्स जो है ना, मतलब शर्ट्स जो है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड अंदर है ना इस टाइप का मटेरियल लगा हुआ है जो आपको ना बहुत ही ज्यादा गर्म रखेगा बेसिकली। तो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, तो आप ये वाले शर्ट्स पहन सकते हो इजीली। इनके कलर क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये मैंने लिए थे ट्रिपल एक्सएल में, तो भैया ने मुझे अगेन वही सेम ही प्राइस बताए थे, बट मैंने लिए इन्हें 400 रुपीज में, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जस्टिफाइड प्राइस है क्योंकि ये जो है ना ट्रिपल एक्सएल में है। एंड यही सेम क्वालिटी ना मैंने H&M पे भी देखी है एंड जारा पे भी देखी है, वो तो मतलब सेल में भी 3000 तक की पड़ती है, ओरिजिनली तो आप लगा लो 6-7000 तक की मिलेगी। ये क्वालिटी स्पेशली एंड ब्रांडेड पीस है, तो मुझे लगता है कि प्राइस मुझे जस्टिफाइड लग रहा है। इस हॉल में एक भी ज्वेलरी नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे कि मैं सरोजनी अगर गई हूँ और ज्वेलरी नहीं लेकर आई हूँ। बट यस, अगर आपको थोड़े से मेरे ज्वेलरी सजेशंस वगैरह चाहिए ना, तो अभी मैं DIY गई थी, मिस्टर DIY, तो मैं वहां के भी पार्ट्स अपलोड करूंगी, तो आप वहां से ले सकते हो। ये रिंग्स वगैरह ये सब कुछ मैंने वहां से लिया है। तो यस, यही थी मेरी सरोजनी नगर की शॉपिंग। मैंने 2 शॉपिंग बैग्स भी लिए थे, तो वो भी मैंने 50-50 रुपीज के लिए थे। 150 रुपीज प्राइस कोट करते हैं, बट वो करते करते 50-80-100 तक भी दे देते हैं। तो या गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, येट आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी मेरी शॉपिंग। तो अगर आपको शॉपिंग अच्छी लगी है एंड आप अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। कॉमेंट में नीचे बताना कि आपको इस आइटम में से कौन सी बेस्ट लगी है, एंड शॉप नंबर्स वगैरह की क्वेरीज भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो या गाइज, विदाउट एनी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी खत्म हो गई है ये वीडियो, तो यस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।